हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना कौशिक। मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कला में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ये जला हुआ भिगुना है। ज़्यादातर सभी के घरों में कभी ना कभी ऐसा कुछ हो ही जाता है, तो मैंने सोचा कि आज इसकी ही वीडियो क्यों ना लेके आई जाए। इसको वॉश करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम एक दो दिन तक इसको भिगो के रखते हैं और बहुत कुछ करते हैं इसके साथ हम, तब जाके ये साफ़ होता है। लेकिन मैं आपको ईजी एक मेथड बताने जा रही हूँ। ये देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब ये भिगोना जैसे जल जाए या फिर कोई भी कढ़ाई वगैरह आपकी कुछ भी ऐसा कुछ जल जाए, तो आप इसे एक एक वॉश आप सिंपल वॉश कर लीजिए, जैसे कि आप हमेशा अपने बर्तनों के वॉश करते हैं वैसे ही आप ये वॉश कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए, जितनी भी इधर उधर की जो चिकनाई होगी, जो आसानी से हट जाती है, वो सब वॉश हो जाएगी। अब हमारा मेन टारगेट रहेगा कि ये साफ़ करना, तो वो वॉश करने से हमें एकदम क्लियर समझ में आएगा कि हमको क्या साफ़ करना है। तो चलिए हम इसको वॉश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको गैस पर रख के गैस को ऑन कर देंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पर। हमें ये जब तक रखना है जब तक ये इसका पानी सूख ना जाए। और ये बिल्कुल जब सूख जाएगा तो ये अपना आप ही हटने लगेगा। बहुत इजी मेथड है और इसको ये सब करने में कम से कम 1 या 2 मिनट का वक्त लगता है। ये चलिए देखिए, हम आपको दिखाते हैं। अभी जलने लगा है, हमें इसे अच्छे से जलाना है। देखिए, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ सके। ये देखिए, ये देखिए, ये जल रहा है। चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं। आप ये चिमटा होता है ना, इससे भी ले सकते हैं। देखिए, ये भी अच्छे तरीके से देखो, ये एकदम से वॉश कर देख रहे आपको। ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको चम्मच से लेके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इतना इसमें से हट जाएंगे। अब इसको हटा लेते हैं। चलिए, हमने इसे हटा लिया है। अब हम दोबारा से इस गैस को ऑन करेंगे। अब जितना और भी होगा ये टाइट टाइट जला हुआ, ये फिर से हट जाएगा। ये देखिए, इसको करने में सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं। ये देखिए, बस आप इसे गैस को बंद कर दीजिए और फिर से ऐसे ही। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे वॉश करते हैं उस तरह से वॉश करेंगे। ये देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये गर्म है तो इसे ठंडा करने के लिए हम पानी चलाएंगे। सिंपल पहले पानी से इसको ठंडा कर लेते हैं ताकि हम इसे आसानी से पकड़ सकें। ये देखिए, लिक्विड सोप है, आप नॉर्मल सोप भी ले सकते हैं। मेरे पास ये है तो मैं इसी से वॉश करती हूँ बर्तन। तो ये मैं थोड़ा सा डाल लेते हैं। और ये जूना सभी के घरों में होता है, आप इस जूने से जैसे नॉर्मल साफ करते हैं ऐसे साफ कर लीजिए। ये देखिए, आपको दिख रहा है जो भी ये दाग था वो सब हट गया है। अब हम अच्छे से जैसे वॉश करते हैं नॉर्मल, वैसे वॉश कर लेंगे। हमारा बर्तन बिल्कुल जो जितनी दाग था वो सब हट गया है। ये बाकी जो है हम डेली वेज में जब भी साफ़ करेंगे तो ये वॉश हो जाएगा। ये देखिए, चलिए एक बार और मैं इसको थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ। वैसे तो ये हो गया है पर फिर भी ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये भी हम वॉश कर लेते हैं। देखिए, ये साफ हो गया। आपके सामने है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब ये आप आगे जब भी इसको साफ़ करेंगे ये नॉर्मल अपना आप ही साफ़ हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बिल्कुल बर्तन साफ़ हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय श्री श्याम, राधे राधे।